2 करोड़ रुपए की संपत्ति प्रशासन ने की कुर्क, अपराध से की गई थी काली कमाई। काजल किन्नर की अपराध की काली कमाई की करोड़ों की संपत्ति हुई कुर्क। गरीब बच्चों को बहला फुसला कर बनाता था नपुंसक, बच्चों से भीख मंगवा कर करता था अवैध वसूली। गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई बड़ी कार्रवाई। यूपी के सीतापुर से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां काजल किन्नर की अपराध की काली कमाई से बनाई गई संपत्ति कुर्क कर ली गई है। आपको बता दें कि सीतापुर के मोहल्ला गांधीनगर के थाना सिधौली की काजल किन्नर एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत एक बड़ी कार्रवाई की गई है। श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर महोदय के आदेशानुसार गांधीनगर मोहल्ला थाना सिधौली जनपद सीतापुर मुकदमा अपराध संख्या 371/22 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्ता काजल किन्नर उर्फ गुरु सफेदा के द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित 3 अदद प्लाट व उस पर निर्मित मकान व 1 अदद स्कॉर्पियो, 1 अदद बुलेरो, 1 अदद मोटरसाइकिल स्कूटी व सिटी डीलक्स को 14(1) के अंतर्गत जब्त किया जाता है। जहां काजल किन्नर के अपराध कृतियों से चलते 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। साथ ही काजल पर आरोप है कि वो गरीब बच्चों को अपने जाल में फंसाकर पहले नपुंसक बनाती थी और फिर उनसे भीख मंगवाती थी। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के चलते पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। DGP महोदय के निर्देशानुसार राज्य में अपराधियों द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित अवैध संपत्ति के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अपराधियों की संपत्ति का चिन्हीकरण और जब्तीकरण किया जा रहा है। इसके क्रम में काजल किन्नर, जो कि गांधीनगर थाना सिधौली जनपद सीतापुर की निवासी है, इनके द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर नाबालिग बच्चों को बहला फुसला कर उनका नपुंसकीकरण किया जाता था तथा उनसे भिक्षावृत्ति एवं अवैध वसूली जैसे अपराध कारित कराए जाते थे, जिससे इन्होंने लगभग 2 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित की थी। आज दिनांक 26 सितंबर 2023 को यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार थाना अटरिया पुलिस द्वारा इनकी आपराधिक कृत्यों से, काजल किन्नर की आपराधिक कृत्यों से अर्जित अवैध संपत्ति को जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। इस प्रकार की कार्यवाही भविष्य में भी अपराधियों द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति के चिन्हीकरण एवं जब्तीकरण की कार्यवाही भविष्य में भी निरंतर की जाती रहेगी। सर, इसमें क्या क्या शामिल है जो जब्तीकरण हुए सर? इसमें 3 प्लॉट, कुछ गाड़ियाँ और कुछ बैंक बैलेंस भी है इनका। ये चीज़ है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नीश और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।